जिस दिन जयप्रकाश को मैदान में उतारा उसी दिन से इनके तो सांप सा सूंघ गया। मैं हर गांव में कहता हूँ इनके हाथ देख लियो, रणजीत सिंह और के 700 बड़े एम पी ने न्यूनी बेरा माइनर क्यों हुआ है, सड़कें बनवाई, फौज पुरानी भर्ती करांगे, नहीं दिए गाड़ के बीच में खड़ा हूँ, उसी दिन एमपी का इस्तीफा दे के तारे बीच में आ जाऊंगा। तीनों गांव के हजारों लोग जेजेपी लोकदल छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों आपने बेरा है कि चुनाव का बिगुल बज रहा है और इसार लोकसभा तक अगर बात करें तो वैसे तो कांग्रेस ने झटका भी दे दिया कितना ना कितना, क्योंकि लोग कुछ और सोच रहे थे और आ गया कुछ और। तो हमारे साथ है जेपी सर, राम राम सर। राम राम जी सर, पहले तो लोगों का इतना बड़ा झटका दे दिया कांग्रेस ने, अरे इतनी भीड़ कर रहे हो आप है। और एक बात आपने कही कि कितने बीजेपी का नाम लेनिया नहीं है ना कौन, तो फिर बीजेपी 400 पार के रुके क्यों मारे हैं? ये कई बार कमजोर आदमी जो है ना भाई, वो डर में शोर बहुत मचाता है, इनके मन में अविश्वास है, लोगों के साथ जो धोखा किया है। आप देखिए आज मनोहर लाल जी हो, रणजीत सिंह हो, 703 किसानों के खून के धब्बे इनके हाथ में हैं। मैं हर गांव में कहता हूँ इनके हाथ देख लियो, रणजीत सिंह और के 730 किसानों के खून से भरे हैं। आज भाजपा के लोगों के हाथ, वो हमारे मासूम बच्चे बच्ची जो अपनी माँ की गोद में थे, आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर की कैसे पिटाई की, जनप्रतिनिधियों की कैसे पिटाई की, सरपंच कुट्टे गेड़ गए, ये तो दलित समाज बच गया। 2018 में अगर देश का दलित समाज सड़कों पर नहीं आता तो ये संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, इनके बच्चे कितने मरे, लाठियां खाई, किसान कूट दिया, शेड्यूल कास्ट कूट दिया, मजदूर कूट दिया, कर्मचारी कूट दिया, छोड़ दिया कौन भाई ने, इन्हें तो सोचा था फोली फोली मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने इन किसान संगठनों की आप लोगों की दुआओं से जिस दिन जयप्रकाश को मैदान में उतारा उसी दिन से इनके तो सांप सा सूंघ गया। इसलिए थे जयप्रकाश को 1989 में एमपी बनाया था एज ए मेंबर पार्लियामेंट। मेरे से पहले कभी एमपी गांव में नहीं जाता था, लोग उसके दिल्ली में जाते थे, जाना नहीं करते। मैंने घर घर गांव गांव घूम करके एमपी का महत्व बताया, मैंने गांव गांव में सामाजिक संबंध मेंटेन किए, मैंने जो भी मैं कर सकता था एज ए मेंबर पार्लियामेंट, मैंने यहाँ विकास के कार्य कराए, नो माइनर इस इलाके में निकलवाए, आपका सरसोद माइनर, सिंगवा माइनर, मतलोडा माइनर, खेड़ी जाल माइनर, खांडा माइनर, और अपना ये सिंगवा के साथ डाटा माइनर, कितने माइनर बनवाए थे भाई, ये बड़े एम पी ए ने न्यूनी बेरा माइनर क्यों हुआ है, सड़कें बनवाई, बताओ पीछे तो बनवा दिए, ई बाप ने के कमी लगा के करवाना चाहिए। अब मैं दो चीज करूंगा, एक तो ये जो कानून व्यवस्था है, महिलाओं का जीना दुर्भर हो रहा है, व्यापारी का जीना दुर्भर हो रहा है, आम आदमी का जीना दुर्भर है, एक तो हम कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करेंगे, हम रोजगार देंगे, एमएसपी लागू करेंगे, गरीब लोगों को रहने के लिए आवास देंगे, तो ये काम हम करेंगे। अरे को फौज पुरानी भर्ती करांगे, और फिर करणियों को सिलेंडर भी दे देंगे, और फिर तारी जैसी जो हमारी बच्चियां हैं थोड़ा सा जुगाड़ तारा भी करांगे ताकि रसोई का खर्चा कर आप पहुंचे। थोड़ा सा जुगाड़ नहीं सर, आप ये बताओ कि राहुल का बयान आया था कि हम गरीब महिलाओं को एक एक लाख लाख रुपए देंगे सालाना, वही तो कह रहा हूँ, तो देंगे सच में या फिर नेताले बड़े इरादे बनकर आ जाएंगे? अगर नहीं दिए गाड़ के बीच में खड़ा हूँ उसी दिन एमपी का इस्तीफा देकर तारे बीच में आ जाऊंगा। राजीव गांधी ने, राहुल गांधी जी ने जो कहा है, हुड्डा साहब ने जो कहा है, जिंदगी में करके दिखाया है, फर्के को नहीं आने दी कुड़िया ना ना, तो सर पक्की बात है। मैं यहाँ जा रहा हूँ साथी लोकदल के ज्वाइन करें, उनकी बताइए नहीं। हाँ अब मेरे जो साथी हैं सतवीर और गतोड़ गए, और तीनों गामा के हजारों लोग जेजेपी लोकदल छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इन सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। वैसे मेरे लिए नए नहीं है,
क्योंकि किसी न किसी टाइम में मेरा सबसे संबंध रहा है, हर साथी मेरा है और मैं उनका हूँ। कांग्रेस में आगे उनका स्वागत है। आप पुराने जबरदस्त, ये हमारे पंडित जी हमने क्या कहा, माँ दादा सुधा ब्याज दे दिए, बोला चक्रवर्ती ब्याज देंगे। 3 लाख का प्यार है, आदमी था प्यार है, भाजपा का आदमी था, प्यार है लोगों का, भाजपा का था, भाजपा का था। प्यार बिना प्रजातंत्र में राज नहीं आ सकता। सर एक बात और है, मतलब देखो हमारे बड़े बुजुर्ग भी है और भी न्यू कहते हैं, चाहे सरकार कोसी भी हो पर अपनी करनी में कोई कसर नहीं निकालता। नाम हमारा फर्क है, नाम ठीक करेंगे, इनकी डाल में कम नहीं आयप्रकाश मारा हमें, जयप्रकाश का हमने कोई दो, ना किसी और आधार पे दो, जो विकास करवाओगा उसने देख के दो, तो अब की बार आप क्या चाहते हो कि इस बार लोकसभा से कौन जीते, जरूर बताना।